नहीं मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। तुमने सुना नहीं था मैंने क्या कहा था अभी अरशद को? वही सुनना चाहते हो क्या तुम भी? अरशद आपके इस जुमले से डर सकता है हमें। मैं नहीं, आप उसे कभी भी आंख ना करती। वो रुक जाए यहां पर इसलिए आपने उसे ये बात कही। आप ही का बेटा हूं मैं। अगर मां अपनी औलाद को समझ सकती है तो औलाद भी अपनी मां को समझ सकती है। देखिए अमीन, मेरा ये फैसला आपको परेशान तो जरूर कर सकता है, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा कोई भी फैसला बेमकसद नहीं होता। और क्या फायदा है ऐसे मकसद का जिससे तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे जिगर का टुकड़ा दूर हो जाए मुझसे। तुम्हें छोड़ के थोड़ा ही जा रहा हूं, यही रहूंगा आपके दिल में। अभी देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरे भाई अब अपने पैरों पर खड़े हो जाए। आखिर कब तक मैं उनको अपनी उंगली पकड़ा कर रखूं? कब तक वो मेरे सहारे पे जाए? खड़ा होने देने खुद से। मुझे आपका साथ चाहिए। मैं जानती हूं आज के वाकये ने तुम्हें मेरी तरह तोड़ के रख दिया है, लेकिन मैं कैसे छोड़ूंगी इस घर को बेटे? मैं नहीं छोड़ूंगी, मरते तुम तक नहीं छोड़ूंगी। और अमीर दूसरी बात ये कि मैं हिना को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो सारी जिंदगी इस एहसास तले गुजारे कि वो इस घर पे भूल जाए। मैं उसे कर भी नहीं देख सकता। मैं उसे खुददारी और इज्जतदार जिंदगी देना चाहता हूँ। और अमीर हिना की भी यही मर्जी है। मैं क्या सुन रहा हूं? क्या कह रही हैं अम्मी? तुम और हामिद भाई इस घर को छोड़कर हमें छोड़कर जा रहे हो? हाँ, ये हामिद भाई का फैसला है। और तुमने खुशी खुशी मान लिया? जो इज्जत मुझे हामिद भाई के साथ रहकर मिल सकती है, वो इज्जत मुझे यहां रहकर नहीं मिल सकती। उन्होंने मेरे लिए जो फैसला किया है, मैं उनके साथ हूं और अम्मी भी उनके साथ है। अम्मी, हामिद भाई सब राजी और मैं कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं। तुम मेरी जान हो, लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस घर की खुशियों के लिए, इस घर की भलाई के लिए हम तीनों को ही ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तुमसे बात करना ही कसूर है। हामिद भाई से बात करता हूं, ऐसा होने नहीं दूंगा। जाहिर मेरे भाई का बहुत ख्याल रखना, ये बहुत जज्बाती है, लेकिन प्यार से हर बात मान लेता है। भाई, भाई आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते? आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। अरशद भाई की सजा मुझे कैसे दे सकते हैं? मैं कैसे रहूंगा आपके बगैर? देखो राहिल, जिंदगी में बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। अब तुम भी अब कुछ छोटे नहीं हो, बड़े हो गए हो, समझदार हो गए। तुम्हें अपना फैसला खुद लेना होगा। नहीं भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। राहिल, तुम यहीं पर रहोगे इसी घर में, कहीं नहीं जा रहे तुम। अम्मी का फैसला है कि वो यहाँ रुकेंगी ना, कौन ख्याल करेगा उनका? भाई अम्मी का फैसला है तो अम्मी को यहाँ रहने देना, वो अरशद भाई के साथ रह लेंगी, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा। देखो, बात समझने की कोशिश करो। अरशद कारोबार संभालना चाहता है, जिम्मेदारी लेना चाहता है,
लेकिन अम्मी की जिम्मेदारी तुम्हें और अफशां को ही लेनी पड़ेगी। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने अम्मी का ख्याल रखना है हर तरह से, वैसे ही जैसे मैं रखता हूँ। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है फौजिया भाभी की तरह तुम इस घर को कभी टूटने नहीं दोगे। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, अपनी पूरी कोशिश करूंगी। खुदा करे तुम जहां भी रहो खुश रहो, मुतमईन रहो। देखो एक वादा तुम्हें मुझसे करना होगा, अरशद अब इस घर का बड़ा है, तुम मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। मुझे बहुत मान है तुम पे राही, मेरा मान मत तोड़ना। क्या कर रहा है यार, क्यों बच्चों की तरह रो रहा है? मैं जा तो रही हूं मगर आपकी बहुत फिक्र रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पहले तो मैं थी ना मगर अब तो आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। अकेली तो बेटे, बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है, इससे बुरा और क्या होगा मेरे से? शायद अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या मुझे आप माने या ना माने, बाकी ये जो कुछ भी इस घर में हो रहा है इसके पीछे इन दोनों बहनों की मेरी भगत है। अरे घर छोड़कर जा रहे तो जाएं, इनकी मर्जी। हमने कौन सा इतना बड़ा कोई गुनाह कर दिया जो घर छोड़कर जा रहे? अब जाओ, जाकर माफी मांगो, हाथ जोड़ो, पांव पकड़ो। अगर वैसे तुम जाना चाहो और मनाना चाहो तो जा सकते हो, बाद में मुझे मत ताने देना कि तुम्हारी वजह से मैंने नहीं मनाया। वैसे अरशद, अम्मी ने तो कह दिया था जो इस घर से निकलेगा वो जायदाद से बेदखल हो जाएगा। अब अगर वो जाना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी, शायद उनको यही बेहतर लग रहा होगा। वैसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है, जाने भाई, अगर उन्हें यही बेहतर लग रहा है तो कोई कैसे रोक सकता है ना। भाई प्लीज मत जाए, रुक जाए, बदल दे अपना फैसला। भाभी आप बोले ना भाई को, है ना, तुम भाई को मना कर दो कि तुम्हें नहीं जाना, बोलो ना भाई प्लीज हमारी बात मान जाए। आप वहां क्यों खड़े, यहाँ आए ना भाई को रोके, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? भाई प्लीज मेरी बात सुने, मत जाए। रहने दो अफशान, तुम्हारे इस तरह रोकने से हामिद का फैसला नहीं बदल जाएगा। हम दोनों इस घर को छोड़कर जा तो रहे मगर उम्मीद करते हैं कि तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी तरह इस घर की जिम्मेदारी निभा दोगी। भाई भाभी हिना तुम्हें कुछ बोलो प्लीज, हिना अभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। वाह, आ जाओ आ जाओ, ना बैठो आ जाओ। हाँ बैठो।
मेरे अल्लाह। हाँ हाँ बैठो है ना, बैठो बेटा बैठो। तुम दोनों को क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? जाओ जाके देखो घर को। देखो जब तक किसी दूसरे घर का बंदोबस्त नहीं होता तब तक तो यहीं रहना पड़ेगा। और अगर इस दौरान आपके दोस्त की फैमिली आ गई तो? अरे नहीं नहीं, वो लोग अभी नहीं आएंगे। देखो ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र हो गया कि इस वक्त में हमें सर छुपाने के लिए जगह मिल गई, नहीं तो कहां से अरेंज करता मैं कुछ भी। अच्छा सुनो, वो हिना को भूख लग रही होगी, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। नहीं भाई मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब भूख नहीं लग रही? खाना तो खाना होगा ना तुम्हें। हामिद ठीक कह रहे हैं, तुमने अपना ज्यादा ख्याल रखा, इस तरह भूखी रहोगी तो तुम्हारे बच्चे को नुकसान हो सकता है। भाभी मैं नहीं खा सकूंगी, मैं जरा आमना को देख लेती हूँ। हिना कब तक करवट बदलते रहेंगे? सोने की कोशिश तो कर। नींद ही नहीं आ रही, कैसे सो? हामिद भाई कुछ ना कुछ सोच के आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप करके, वो जानते हैं कि आप इस घर को, अम्मी को, हम सबको बहुत अच्छी तरह संभालेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद को संभालना जरूरी है। मेरे बच्चों को हमेशा एक दूसरे से जोड़े रखना, उनके बीच में आई गलत फहमियों को दूर करना, उनके दिल उनकी ज़बानें हमेशा एक दूसरे के खलूस, एक दूसरे की मोहब्बत की कमाई। मनान साहब को भेजें अंदर। जी सर। बैठिए मनान साहब। इन फाइल्स की मुझे अपडेट्स क्यों नहीं दी गई? सर वो क्या? सर वो कुछ दिन से आप काफी डिस्टर्ब लग रहे थे तो मैंने सोचा कि डिस्टर्ब मैं था, आप नहीं। आप ये फाइल फॉरवर्ड कर सकते थे। मतलब अगर मैं बीमार हूं या बिजी हूं तो ये ऑफिस हम बंद कर दें? क्या मेरे पूरे ऑफिस में ऐसा कोई एम्प्लॉई नहीं है जो कि मेरी गैर मौजूदगी में ये ऑफिस संभाल सके? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। मनान साहब सॉरी से बात खत्म नहीं होगी। जब इन कंपनीज की कॉल्स आएंगी मुझे तो मैं क्या जवाब दूंगा, आप मुझे बताएं क्या एक्सक्यूज दूं मैं इनको? सर मैं अर्जेंटली इसको फाइनलाइज करके प्रोसेस करता हूं। प्लीज जरा जल्दी करवाइएगा। और आइंदा ऐसा ना हो। जी सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरे बच्चों। राहिल
नाश्ता नहीं कर रहा कि? वो अम्मी वो कह रहे हैं कि उनका दिल नहीं चाह रहा। क्यों? राहिल बहुत परेशान है अम्मी। उनका यही कहना है कि पता नहीं हामिद भाई किस हाल में होंगे, कहाँ रह रहे होंगे, उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। सुबह सुबह नाश्ते की मेज पे मुझे ऐसी कोई बात नहीं सुननी जिससे घर का सुकून बर्बाद हो। लेकिन अम्मी बात तो घर से जिसे जाना था वो चला गया, उसका अपना फैसला था, अब उसका मसला है वो कहाँ रहे कैसे रहे। तुम लोग नाश्ता करो। ओके वालदा मैं चलता हूँ, देर हो गई। बैठ जाओ अच्छा तुमसे बात करनी है। आज से तुम बड़े हो इस घर के, इस घर की कारोबार की या तुम्हारे ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां अब तुम्हारे कंधों पे हैं। मुझे उम्मीद है तुम मायूस नहीं करोगे मुझे। जी इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़। भी खाली है, कौन लोग हैं, क्या सिलसिला है यहाँ पे? अली के खाने के लिए कुछ है ना, मेरे खाने के लिए? इतना ये लोग अली अली करते हैं कि खाने का ख्याल तो रखा नहीं जाता इनसे। खुद तो आप सबने खा भी लिया बैठ के, ये ना हुआ कि बहू से पूछने कुछ। तुमने नाश्ता नहीं किया? कुछ होगा तो खाऊंगी ना, आप लोग तो सब खा के बैठ के। मैं तो समझी थी कि क्या समझी थी आप? क्या समझी? आप लोगों को नहीं पता कि इस घर में कुछ भी नहीं बचा हुआ? अली के लिए मुझे कब से थोड़ी सी चीजें चाहिए थी, लेकिन नहीं। वैसे तो आप लोग बहुत पोता पोता करते रहते हैं, लेकिन उसकी जरूरत की एक चीज मौजूद नहीं है यहाँ पे। मैंने खालिद को लिस्ट दी तो थी। खालिद को ना आप बस रहने दें। खालिद को लिस्ट दी थी, उसे हिना से फुर्सत मिलेगी तो हमारे बारे में सोचेगा ना कुछ। आप ना साफ साफ बात कर लें उससे कि उसे हमारे साथ रहना है या फिर हिना के साथ रहना है, और अगर उसी के साथ रहना है ना उसने तो वो जाए यहां से, हमारी जान छोड़े। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। खालिद भाई तुम सामान क्यों नहीं ला के दे रहे? मैं अभी ऑफिस पे हूँ, मैंने कहा तो है जब मैं शाम को घर आऊंगा तो अपने साथ लेता आऊंगा। शाम तक वो मेरा जीना हराम कर रही। तुम्हें कह रही हूँ, उससे कह चली जा रही कि अली के खाने को कुछ नहीं, अली के खाने को कुछ नहीं। तुम ले आओ ना अली के खाने के लिए। मम्मी अभी इतना सारा तो सामान लेकर आया था, क्या हुआ, खत्म हो गया? अरे भाई मुझे क्या पता कहाँ चली गई, उसने तो मेरी जान अजाब की भी है ना कि अली के खाने को दो दिन से कुछ नहीं। इसको तो गुस्से के अलावा कुछ आता ही नहीं है। खालिद सामान लाना है ना तो बस ले आओ, और बस कब तक हिना के ख्याल में खोया हूँ, बस कर दो। हमें प्लीज, मैं हिना के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और खुदा के लिए ज़ारा को भी समझाएं कि उसका पीछा छोड़ दे। जिम्मेदारियों का इशू है ना, तो वो मैं अच्छी तरह पूरी कर तो रहा हूँ। अच्छा सामान जरूर लेकर आना, चल फिर चिड़चिड़ करेगी। जी अच्छा। जी जी बात करते चलें, ठीक है मैं वेट करूंगा आपका कॉल का। खुदा हाफिज़। सुबह से आप इतनी सारी कंपनीज में इंटरव्यू कॉल्स कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे एक दिन? मेरा मतलब है किसी एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दे देना।
इतनी जगह एक ही दिन में जाएंगे तो थक नहीं जाएंगे? फौजी मैं सोच रहा हूँ कि कल बस एक ही दिन में जाके सारी कंपनीज में इंटरव्यू दे दूँ जो जो कॉल करें, और जो सबसे पहले कंफर्मेशन दे वो जॉब लेकर ज्वाइन कर। वैसे आपको अंदाजन सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी शुरू में तो कमी होगी, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, करेगा मदद। जो भी होगा ना हमें हम मैनेज कर लेंगे। वैसे भी तो आप लाखों रुपए कमाते थे, कौन से हम खर्च करते थे? ना आपकी कोई ख्वाहिशात थी, ना मेरी कोई इतनी ख्वाहिशें और जिद, ना कहीं आना ना जाना ना घूमना ना फिरना। एहसास है मुझे। मुझे यकीन है हमें, मैं आपकी कम तनख्वाह में भी गुजारा कर लूँ, बल्कि आप देखिएगा उसमें से कुछ ना कुछ बचत भी कर। सुनो वो हिना कहाँ है? अपने कमरे में ही है वो। एक काम करो, उसे अपने साथ घर के कामों में लगाओ, थोड़ा ज़हन बटेगा उसका, थोड़ा मसरूफ होगी वो भी, थोड़ा सा उसे वक्त दें, ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ये बात भी ठीक है, चलो मैं उससे बात करके। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हो बेटी? हाँ ठीक। अच्छा भाई मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया, तुम नहीं आई तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर मिल लूं तुम्हें। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा काम तो करना है, कोई ना कोई काम ढूंढने जा रहा हूँ। सुनो तुमने नाश्ता भी नहीं किया ना? देखो इस तरह करोगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। नहीं मैं बस आ ही रही थी, देर से सोकर उठी थी ना, तो भाई आपसे एक बात करनी थी। पूछो। भाई वो मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप ही घर की जिम्मेदारियां हैं और अब मैं भी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि इतनी सारी जिम्मेदारियां आप अकेले उठाएं, बस इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जॉब करनी चाहिए। बेटा तुम्हारे भाई को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि हम तीनों के अलावा मैं 10 आदमियों का बोझ और उठा सकता हूँ। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, जिस्म है दिमाग है, मैं हिम्मत कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन भाई देखो बेटा तुम्हारे इस फैसले में ना मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम रिलैक्स करो, अपनी तबीयत का ख्याल करो, और खामा खाना अपने आप को सोच सोच के हलकान करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? और वो सुनो मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई चीज चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूँ। नहीं नहीं भाई मुझे कुछ नहीं मंगवाना, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपके साथ चलूंगी। इस वक्त हमारी जितनी भी रनिंग डील्स चल रही हैं उनकी फाइल मेरे ऑफिस में लेकर आइए। वेरी नाइस, कितने अच्छे लग रहे हो ना तुम इस चेयर पे बैठे हो। इस कुर्सी ने मुझ पर और जिम्मेदारी डाल दी। यार हामिद भाई ने कभी मुझे समझा ही नहीं, अगर वो मेरी सुनते मेरी मानते तो मुझे कभी भी उनसे कुछ छुपाना नहीं पड़ता, ठीक है? नहीं उन्हें तो बस अपनी पड़ी थी, बड़े जो हैं वो, इसलिए मेरी नहीं सुनी। और हालात कुछ इस तरह के बन गए कि मुझे उनकी लाइलमी में ही काम करना पड़ा। बहुत अफसोस है मुझे, अगर हामिद भाई ऐसा ना करते तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। खैर जो होना था वो तो अब हो गया, आने वाले वक्त के लिए मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह अब हम दोनों इस कारोबार को आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाएंगे।
लेकिन हामिद भाई की दकियानूसी सोच और उनके आउटडेटेड रूल्स पर चलते हुए नहीं, बल्कि मेरे नए आइडियाज पर काम करके तुम देखना कितनी जल्दी हम इस कंपनी को हम कहां से कहां लेकर चले जाएंगे इंशाल्लाह। क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करो। सच का एक रुपया झूठ के 100 रुपए से बेहतर, यही कहा करते हैं ना हामिद भाई हमेशा। अगर आपको लगता है कि मैं हामिद भाई के उसूलों को छोड़कर आपके साथ चलूंगा तो ये आपकी भूल है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। दवा खा लीजिए, जीती रहो। रात आपकी बात से अर्शद को बहुत दुख हुआ, बहुत डिस्टर्ब थे वो। आपने जायदाद से बेदखल करने की जो बात की थी, डिप्रेशन में चले गए थे वो, तो बहुत समझाया मैंने उन्हें, फिर जाकर नॉर्मल। जो भी कोई उल्टी बात उल्टा काम करेगा तो अंजाम तो यही होगा ना, चाहे वो मेरा कोई बेटा ही क्यों ना हो। अम्मी गुस्से में आकर गलती हो गई उनसे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपका मान रखा, आपकी बात मानी, माफी मांगी, लेकिन फिर भी हामिद भाई बिलावजह घर छोड़कर चले गए। अगर हामिद भाई ने जरा सी भी समझदारी से काम लिया होता तो मामला इतना कभी ना बिगड़ता, बात इतनी ना बढ़ती, ना ही आपको जायदाद से बेदखल करने की बात करनी पड़ती और ना ही अर्शद को सुननी पड़ती। हासिल क्या हुआ, खुद ही घर छोड़कर चले गए, आपका भी ख्याल नहीं किया, और तो और अब प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तुमसे किसने कह दिया कि हामिद को जायदाद से बेदखल होना होगा? इस घर को, आपको, हम सबको छोड़कर चले गए तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अरशद के घर छोड़ने के फैसले में और हामिद के घर छोड़ने के फैसले में जमीन और आसमान का फर्क है। अरशद अपनी जिद और अना की वजह से इस घर को तोड़ के जाना चाहता था, और हामिद उसने अपनी मोहब्बत और अपने इसार से जाते जाते इस घर को जोड़ दिया है। तुमने तो यही सोचा होगा कि ऊंचा ये घर अच्छा ही है। नहीं अम्मी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अच्छी बात है, कभी सोचना भी मत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, ठीक है ना? घर मिला क्या बेटे? कहाँ हो तुम लोग? अम्मी वो हामिद के दोस्त है ना मुदस्सिर भाई, वो उनकी फैमिली कनाडा गए, उन्हीं के घर पर हैं। बस थोड़े दिन में वो आ जाएंगे, तो उनके आने से पहले पहले कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाएगा। अच्छा, हामिद कहाँ है बेटे? हामिद और हिना गए हैं सौदा लेने। हिना कैसी है बेटी? क्या कहूँ मैं, अभी दोनों आएंगे तो हिना से आपकी बात करूँगी। नहीं 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 फौजिया बेटे, मैं खुद कॉल करूंगी उन्हें, किसी मुनासिब वक्त पे, आप ना कराना बात। जी अम्मी, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, सब सब ठीक है। बस बेटे हिना का बहुत ख्याल रखना। अम्मी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हिना के साथ मैं हूँ ना यहाँ, आप उसकी फिक्र मत करें।
जीती रहो मेरी बच्ची, खुश रहो, आबाद रहो। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं वो तो मैं जानता ही हूँ। हाँ मुझे पता है आप माशाल्लाह। देख लीजिए अगर कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चले मैं फिर वेट करूंगा जी। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ, ले ली तुमने चीजें क्या? नहीं भाई मैं अभी नहीं ले रही हूँ। नहीं नहीं क्या मतलब, स्टोर सामने आए हुए हैं, ले लो। भाई मैं बाद में आकर ले जाऊंगी ना, अभी आप चले। कितनी खुश हो, खुश सुकून हो ना तुम? क्यों मुझे खुश नहीं होना चाहिए क्या? हाँ हाँ होना चाहिए, आप अपने मकसद में चुपूरी हो गए। क्या मिला हामिद भाई को उनके भाइयों के खिलाफ करके या इस घर को तोड़ के? लो भला इस घर को मैं क्यों तोड़ने लगी? और वैसे भी हामिद भाई कोई छोटे से बच्चे नहीं है जिनकी उंगली पकड़ के मैंने घर से बाहर निकाल दिया। उनका अपना फैसला था। और मेरा मशवरा है तुम्हें भी ज्यादा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। आप भी? और वैसे भी तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फौजिया भाभी का किस्सा साफ हो गया, अब हम दोनों बहनें हंसी खुशी इस घर में रहेंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये घटिया करते करते। तमीज से बात करो, बड़ी बहन हो तुम्हारी, आई समझ? सही है, अपने रिश्तों और अपनी तकदीर की वजह से ही मुझे थी। वरना जो हरकत तुमने की है ना उस पर तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ पड़ना चाहिए। इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें कि तुम मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रही हो? आइंदा से सोच समझ कर अपनी जुबान चलाना, अपनी हद और औकात में रहो। तुम्हारी बड़ी बहन होने के साथ साथ अब मैं इस घर की बड़ी बहू भी हूं, आई समझ? किचन संभालो। हद हो गई भाई। अब सारा यहाँ बेटे। जी बेटे, ये अली खेलता है तो उसके थोड़े खिलौने समेट लिया करो, कमरा ठीक नहीं लगता घर फैला हुआ, और काफी सारे कपड़े उसके मैले पड़े हैं, धो के डाल। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप धो ले। हाँ मैं धो लेती, दो दिन के लिए मासी छुट्टी पे गई हुई है ना, तुम धो लो, उसके बच्चा है। देखिए मेरी बात सुने, वैसे तो आप लोग बहुत अली से मोहब्बत है हमें और अली अली करते रहते हैं, लेकिन उसके अगर दो काम करने पड़ जाए तो आप लोगों को मैं याद आ जाती हूँ, वो काम नहीं होते आप लोगों से। पता तो है मासी सब कुछ करती है, तो बेचारी दो दिन की छुट्टी पे गई है तो अच्छा नहीं लगता कि घर सारा औंधा ले। देखिए मेरी बात सुनिए, उस हिना ने ना आप लोगों को बहुत गलत आदतें डाल दी हैं, बहुत खिदमतें करती थी ना वो आप लोगों की, मुझसे इस किस्म की कोई तवक्को मत रखिएगा क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली यहाँ पे, ठीक है? और अगर मासी चली गई है तो आप लोग दूसरी मासी रख लें। नहीं ऐसी कोई तवक्को नहीं है, लेकिन इंसान घर में। अच्छा भाई मैं उठा लेती हूँ, चलो रहने दो। इसीलिए खालिद बोलने लगा। अरे बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते हो? वालेकुम अस्सलाम। जीते हो? उस्मान कहाँ? कमरे में होगी।
इसे क्या हुआ? भाई का मूड ही ठीक कब रहता है? ऑफिस में कोई बात हुई है? मसला ये है कि भाई चाहते हैं कि मैं हामिद भाई के उसूलों को छोड़कर उनके उसूलों को, और मैं ये कर नहीं सकता। पता नहीं क्या होता जा रहा है भाई को। चलो मैं समझाऊंगी उसे। अब इस घर में रहना ना हराम हो गया। हर वक्त एक ही बात सुनने को मिलती है, अर्शद ने ये कर दिया, अर्शद ने वो कर दिया, और कोई नहीं, मेरी अपनी बहन मेरी दुश्मन हो गई है। खुदा का वास्ता अस्मा, देख रही हो तुम, ऑफिस से थका हारा आया हूँ, एटलीस्ट मुझसे चाय गई पूछ लो, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया मैं। अच्छा मैं तो जैसे मलका भरे हुक्म चलाती रहती हूँ ना, सबके काम भी करती हूँ, बातें भी सुनती हूँ, और तुमसे बात करो तो क्यों सुनती हो तुम अफशा की बातें? कुछ कहती क्यों नहीं हो उसे? आज मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी, रख के थप्पड़ मारा उसके मुंह। बहुत अच्छा किया,